जांजगीर चांपा जिले में अब किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात कर कृषि विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की और जिला जल उपयोगिता समिति बैठक में हुए निर्णय के बाद भी 5 जनवरी बिताने के बाद भी नहर में पानी नहीं छोड़ने से नाराज हैं। कृषक चेतना मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि नहर में पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो इस बार रबी की फसल नहीं ले पाएंगे और कोरोना संकट के बाद भी मजदूर पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। कोरोना संक्रमण में जनजीवन में कोई बुरा असर न पड़े, इस बात को लेकर जिला प्रशासन और किसान नेता दोनों ही चिंतित हैं। लेकिन किसान नेताओं ने कृषि विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल नहीं होने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किसानों ने आरोप लगाया है। किसान नेता संदीप तिवारी ने बताया कि जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में रबी फसल के लिए 5 जनवरी से नहर में पानी देने की सहमति बनी थी, लेकिन अब तक विभागीय अधिकारी नहर में पानी देने के विषय में सोच भी नहीं रहे हैं, जिसके कारण किसान चिंतित हैं और नहर में पानी नहीं मिलने से किसान और मजदूर दोनों ही काम से वंचित हो जाएंगे और मजदूरों का पलायन हो सकता है। कोरोना के पहले और दूसरे लहर के दौरान पहले किसानों को नहर से खेती के लिए पानी मिला था, जिसके कारण जिले के किसान रोजी मजदूरी के लिए बाहर नहीं गए और अपने घर में रहकर कोविड के बाद भी अच्छी फसल उपजाए थे। कलेक्टर ने किसानों की समस्याओं को सुना और उन्हें खेती के लिए खाद, बीज और पानी की चिंता नहीं करने का भरोसा दिलाया और रबी फसल के लिए किसानों को तैयार रहने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि खाद की कमी को दूर करने के लिए जिला विपणन अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपने का दावा किया है और नहर में शीघ्र ही पानी छोड़ने का भरोसा भी दिया है। पानी को लेकर एक विषय आया है, किस तरह का मामला है और आप लोगों ने किससे मांग की है? अभी आप लोग सब साहब के साथ कोविड की व्यवस्था के संबंध में आप लोग भी उपस्थित थे। स्पष्ट शब्दों में कलेक्टर साहब ने बोला कि खाद और पानी की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, सरकार किसानों को अपने गांव में ही रह के ये सारी चीज़ों की सुविधा हम यहां से उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग वाले अभी तक उन चीज़ों की सुविधा हमारे वहां तक जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचा। आप स्वयं यहां से नहर गुजरी हुई है, आप नहर देख सकते हैं, नहरों में पानी अभी तक नहीं आया हुआ है और ना ही समितियों में अभी तक खाद पहुँच पाया है, जिससे किसान आशंकित है और आंदोलन के लिए कि आंदोलन की रूपरेखा लोग तैयार कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार के कोई आंदोलन हो इस कोविड काल में और किसी को अपने घर से बाहर निकलना पड़े। बस शासन प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि वो किसानों की मांग को पूर्ति करें, किसानों को पानी उपलब्ध कराएं और किसानों को खाद उपलब्ध करा दें। किसान अपने घर में व्यस्त रहेंगे, अपने गाँव में व्यस्त रहेंगे, वो अपने काम में व्यस्त रहेंगे, जैसे पिछले कोविड काल में होते हुए आया है। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूँगा बार बार आपके माध्यम से कि इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरतें। अभी हमारा ई साहब से चर्चा हुआ है, इरीगेशन ई वाले से, उन्होंने पानी की मांग बढ़ाने की बात की हमने, तो वो साफ शब्दों में बोल रहा है कि मेरे को उतना पानी नहीं है मेरे पास, जबकि डैम में 91% ऊपर पानी है, चाहे तो 2 दिनों में पानी की आपूर्ति हो सकती है। लेकिन इनकी जो बोलना चाहिए अफसरशाही के नाम से किसान परेशान हो रहे हैं और देर सवेर अगर 1-2 दिन में पानी नहीं आती तो सड़क पर किसान आएंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, संबंधित विभागों की होगी। ये मैं आप लोगों की तरफ से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ। धन्यवाद। जांजगीर चांपा से राजेंद्र रत्नाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।